सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बेटा जल्दी चलो चलो चलो। जैसा कि आप सब जानते हो आज हम जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य पर इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने निपुण हरियाणा के विषय में भी एक शपथ का जो आयोजन किया है वो हम अभी लेंगे। निपुण हरियाणा मतलब हर घर में हर बच्चा सक्षम बने, कम से कम अगर वो ज्यादा ना पढ़ पाए तो उसको संख्या ज्ञान अवश्य हो। इसी विषय में अभी हम एक शपथ लेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और एकजुट होकर हम हाथ मिलाए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा करे हासिल बुनियादी शिक्षा कौशल। ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण, हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने एक ऐसी जगह जहां हो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम, और यहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सके और स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके, खुलकर खेल सके, और जहाँ हर बच्चे का जहाँ बच्चे
भारत के हर बच्चे को एक ऐसी शिक्षा जो हो सरस और सार्थक, ताकि हर बच्चा या बच्ची बने निपुण। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से कर दिया बेटा। जो ये पीछे खड़े हैं आप लोग भी बेंचेस पे बैठ जाइए। एक शपथ समारोह के साथ अभी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले मैं माननीय मुख्य अध्यापक जी से निवेदन करूंगी कि वो माइक पे आए और वो शब्द आज के गणतंत्रता दिवस के बारे में कहें। सरपंच साहब दीपक और एसएमसी के सदस्य, प्यारे बच्चों, गांव से आए हुए नौजवान साथी बच्चे और माता पिता, यहाँ पहुँचने पर मैं सभी का मतलब सम्मान करता हूँ और आगे इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हर ये प्रोग्राम जो है जो आज 26 जनवरी 1950 को हमने अपना जो है संविधान जो हमारे देश में लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान सभा ने बना कर तैयार कर दिया। ये जो है हमें संविधान की जो बड़ी प्यारे बच्चों, ये सब जानते भाई, जैसे हमने कोई परिवार अपना काम चलाना है तो हमारे घर का एक मुखिया होता है, नियम कानून बनाता है और उसी के अनुसार जो है हमारे घर का जो कार्य चलता है। जब हमारे मतलब इतने बड़े देश पर जब शासन की बात आती है तो छोटा मोटा देश तो है नहीं, बहुत विशाल देश है और इसमें विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं और इन पर शासन चलाना, उनको एक बात गौरव रखना, ये एक छोटी बात नहीं थी। इतनी बड़ी व्यवस्था का नहीं होती है, मतलब हमें एक संविधान की जरूरत थी। इससे पहले कि हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के अधीन था और उससे पहले जो था वो मुगल सम्राटों के अधीन था। काफी लंबे समय से हमारा देश जो है वो प्राचीनता में जकड़ा हुआ था और हमारे वीर जवानों के, अच्छे नेताओं के, देश के ऐसे योग व्यक्तियों के द्वारा जो है, अच्छी सोच के लोगों के द्वारा जो हमारा देश जो है भाई आजाद हुआ। और जैसे हमें आजादी मिली तो ये नहीं है भाई हमने सारे जो है संविधान सब कुछ मिल गया था, शासन जो था अपने जो था अपनी नीति से चलाते थे, हमें देश अपनी नीति से चलाना था। पहले क्या होता था कि राजा महाराजा जो थे राज करते थे और उसकी पहले पिताजी या राजा की मृत्यु हो जाती थी तो क्या होता था, उसके लड़कों को गद्दी पर उत्तराधिकारी बना दिया जाता था और ये समस्या नहीं आती थी कि भाई राज के कार्य में कोई दिक्कत नहीं आती थी। आखिर में क्या होया, जब संविधान हमारा कैसे तैयार हुआ, आजाद हुआ तो हमें ये संविधान की जरूरत है भाई, किस तरह का शासन करना है या हमने पहले वाला वही राजा का नियुक्त करना है, ये हमारी जनता ने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमें एक लोकतंत्र सरकार चाहिए तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए भाई हमारे देश में तीन तरह की सरकारें नहीं दी गई। सबसे पहले संसद लोकसभा में फिर राज्य सरकारें बनाई और उसके बाद जो है स्थानीय सरकारें जो है नगर पालिका है जैसे सरपंच गाँव में होते हैं। मैन तो यही होते हैं कि भाई नहीं को पता होता है कि किस गांव में क्या समस्या है, जैसे सबको की कोई समस्या तो मुझे पता है, गांव की कोई समस्या तो सरपंच ने पता है, उनको हमारा ये सरपंच भी पहले आगे पहुंचाता है, राज्य सरकार जाती है, केंद्र सरकार के पास सरकार जाती है, बातें जाती है, तब जाकर कहीं का समाधान निकाला जाता है। तो इतने विशाल देश को चलाने के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ी
और 26 जनवरी 1949 को जब हमारा संविधान तैयार हो गया और हमारी जो संविधान सभा थी उसने पूरा संविधान सभा को भाई संविधान को देखा इसमें क्या कमियां है सबको ठीक किया करने के बाद इसको पास कर दिया गया 26 जनवरी 1949 को और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और उसके बाद जैसे ही हमारा जो शासन था वो गवर्नर के नाम पर चलता था और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने पहली जो राष्ट्रपति की शपथ ली थी और उसके साथ हमारा पहला गणतंत्र दिवस जो है वो प्रारंभ हुआ था मनाया गया। तो प्यारे मित्रों मैं आपको भाई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी भाई मन लगा करके पढ़ाई करो अच्छे अंक प्राप्त करो नकल करनी नहीं करनी है मेहनत अच्छी करनी है माता पिता का क्या मानना है जो बच्चा अपने माता पिता का अपने बुजुर्गों का बड़ों का क्या मानना है हाँ पूरे बच्चों से बचना है कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग भी है जो भाई दूसरी प्रवृत्ति के हैं नशा करने वाले हैं या विद्रोही प्रवृत्ति के हैं तो उनसे बचना सीखना तो इसी के साथ साथ भाई कामना करता हूँ भगवान से कि भाई तुम सब खुशहाल हो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे जय हिंद। इतना अच्छा सिखाया और कुछ बताया शायद जो हम नहीं जानते थे।